टाउन में सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों को लेकर लगातार ही सवाल किए जा रहे हैं। क्या राधे फिल्म में कटरीना नहीं होंगी? क्या राधे फिल्म के बजाय सलमान खान बिग न्यूज बिग सरप्राइज फैंस के लिए कुछ और ही लेकर आ रहे हैं? राधे तो उनका सरप्राइज है ही, फैंस के लिए ईद के मौके पर ये नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। इससे पहले फिलहाल क्रिसमस का मौका है आने वाला, नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर के महीने में आने वाला है सलमान खान का जन्मदिन, यानी कि बर्थडे मंथ है नेक्स्ट मंथ दिसंबर सुपरस्टार सलमान के लिए। तो बर्थडे के लिए सलमान खान के लिए कैसा है सरप्राइज कटरीना कैफ का, ये सभी जानना चाहते हैं। और इससे पहले खुल गया है राज, सलमान खान की चहेती कटरीना ने उन्हें हमेशा ही सरप्राइजेस से उन्हें इंप्रेस किया है। मतलब सलमान की चहेती कटरीना, उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ कटरीना ने आखिर कौन सा वो तोहफा सलमान खान को दिया जिसके बाद सलमान खान उस तोहफे के बारे में जिक्र किए बिना नहीं रह पाए, आज हम आपको बताएंगे हमारे शो में। तो स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल यानी कि नेक्स्ट नाइन न्यूज में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के शो की स्पेशल एपिसोड में, सुपरस्टार स्पेशल प्रोग्राम के आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सलमान को मिले अपनी लेडी लव कटरीना की तरफ से गिफ्ट के बारे में। स्पेशली कटरीना ने जो गिफ्ट किया इसका जिक्र सलमान ने किया जिसे वो यूज करते हैं, स्पेशली उसी बेल्ट की बात कर रहे हैं हम जिसे सलमान यूज करते हैं और किसी और ने नहीं, खुद सलमान ने इसका जिक्र किया है। तो फिर इंतजार किस बात का है, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए ले चलेंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जानेंगे आप आखिर वो कौन सा तोहफा था और कैसे इसका जिक्र खुद सलमान ने किया। फिल्मों की दुनिया में सुपरस्टार सलमान खान एक ऐसा नाम है जिनके बारे में जितनी भी चर्चा होती है हमेशा यही कहा जाता है। सलमान खान ने बॉलीवुड में जो अपनी जगह बना रखी है उसके पीछे कारण उनका बैचलर होना भी है। वल शादी सलमान क्यों नहीं करते, क्यों आखिर सलमान ने अपनी लव लेडी लव कटरीना को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने के लिए मौका तो दे दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में लाने के बावजूद सलमान कटरीना को मिसेज बनाने का ऐलान नहीं कर पाए। अब कटरीना ने उन्हें शादी के लिए इशारे इशारे में कहा और अपने एक्शन से इस इशारे को बयां किया कि वो शादी के लिए तैयार है। जिस तरह एक पत्नी अपने पति की सेहत का ध्यान रखती है, एक पत्नी अपने पति के रहन सहन का ध्यान रखती है, सलमान की चहेती कटरीना भी पत्नी की तरह उनके साथ रहती है। क्योंकि सलमान की कटरीना इसी साल पत्नी बनी फिल्म भारत में, तो सलमान ने इसका खुलासा किया है कि बिल्कुल पत्नी की तरह कटरीना उनका ख्याल रखती है, क्योंकि सलमान खान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कटरीना उन्हें ला कर दे देती है। 53 साल के सलमान जो कि तमाम स्टार्स के बीच स्टाइल आइकॉन माने जाते हैं, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहने हुए जब देखा गया तो सभी हैरान तो हो ही गए होंगे। वेल सब जीन्स और टी शर्ट में जब देखा गया था उन्हें काफ़ी समय पहले बहुत अटपटे लुक में, तब लोग हैरान थे। फैन फॉलोइंग के मामले में सलमान खान का कोई जवाब नहीं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे आखिर कटरीना ने ऐसा क्या तोहफा दिया सलमान को जिसे सलमान ने एक बार में ही स्वीकार कर लिया और उस तोहफे को सलमान अपने दिल से लगा कर रखते हैं, हर वक्त उस तोहफे के साथ घूमते हैं। दरअसल ये तोहफा है ही कुछ ऐसा जो कि सलमान के लिए खास है। जहाँ एक तरफ सलमान खान को आप देखते होंगे रिपीटेटेड ड्रेस में, तो ड्रेस और शूज रिपीट करने के अलावा सलमान बेल्ट भी बहुत रिपीट करते हैं और वो यूज करते हैं पुराने बेल्ट को भी। जी हाँ, सलमान खान का खुद ही ये कहना है। वल सलमान ने एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी कि सलमान खान जो ब्लैक कलर की जैकेट और जींस में अक्सर नजर आते हैं उन्हें ड्रेस रिपीट करना पसंद है। उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने तमाम आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें सेलिब्रिटीज के कपड़ों को सर्कल लगाकर फंक्शन में दोबारा पहनने पर उन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो सलमान ने इस बारे में ये भी कहा कि अगर ऐसा उनके साथ हुआ तो हर जगह यही करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में लोगों को यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जूते और कपड़े 5 साल पुराने भी आज पहनते हैं, उसी काली टी शर्ट और जीन्स को वो सालों से पहनते आ रहे हैं और उन्हें बहुत पसंद है। सलमान खान के बारे में बताना चाहेंगे कि 500 रुपए की टी शर्ट वो पहनते हैं और वो काफ़ी चलती हैं। टी शर्ट है तो एक ही, तो क्या हो गया, धोते हैं और फिर पहन लेते हैं सलमान, इसमें गलत क्या है, ये कहना है सलमान का। बात अगर कटरीना से मिले गिफ्ट की करें तो सलमान खान को कटरीना ने एक बार एक गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट था उन्हें मिलने वाला बेल्ट।
सलमान डेनिम के साथ कौन सा बेल्ट यूज करेंगे ये कैटरीना ने चूज किया। कैटरीना को जब वो बेल्ट पसंद आया तो फौरन उन्होंने सलमान के लिए खरीदा और उन्हें गिफ्ट में दे दिया। खुद सलमान ने बताया कि उनके बेल्ट तो 20-20 साल तक चलते हैं और कैटरीना ने जो उन्हें बेल्ट दिया उसे तो वो आज भी पहनते हैं, यानी कि कैटरीना की गिफ्ट को आज भी सलमान अपने आप से लगा कर रखते हैं। बात सलमान के ब्रेसलेट की जाए तो हर फंक्शन में जिनके स्टाइल को कॉपी करना पसंद करते हैं लोग, मुसलमान आज भी वही स्टाइल अपनाते हैं जो सालों से अपनाते आ रहे हैं। वही ब्रेसलेट, वही शर्ट ब्लैक, वही डेनिम। और वहीं सलमान खान ने इसके अलावा ये भी जानकारी दी कि उन्हें हमेशा ही पसंद है अपने करीबियों के लिए तोहफे लेना। सलमान अपनी गोदली भी बहन अलवीरा खान को एक बार एक गाड़ी गिफ्ट कर चुके थे और तो और गाड़ी उन्होंने इस साल अपनी मां सलमा को भी गिफ्ट में दिया। इसके अलावा इसी साल सलमान खान ने कैटरीना को भी एक रेंज रोवर गाड़ी गिफ्ट किया है। ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ का वो गिफ्ट है। यानी कि सलमान ना सिर्फ कैटरीना से प्यार करते हैं आज भी, बल्कि उनके शौक का भी ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं, कहना गलत नहीं होगा। सलमान खान के फिल्मी प्रंग की बात की जाए तो सलमान और कैटरीना टाइगर जिंदा है कि नेक्स्ट फ्रेंचाइजेस में फिर साथ काम करेंगे ये कहा जा रहा है। तो वहीं इसे लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ जो बॉलीवुड टाउन के बहुत ही ज़्यादा चहेते स्टार्स हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बहुत कुछ देखा जाता है क्योंकि सलमान खान को पसंद है अपने सभी मन पसंदीदे लोगों के बीच रहना। तो चलिए हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में ये भी बता दें कि इन दिनों सलमान खान जो बॉलीवुड टाउन में लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें अपनी लेडी लव कैटरीना से दूर दिवाली से ठीक पहले से ही देखा जा रहा है। दिवाली पर भी सलमान और कैटरीना एक दूसरे के साथ नहीं नजर आए। कैटरीना जहां बच्चन परिवार के साथ पार्टी करती नजर आई तो वहीं सलमान खान जो है किसी और के साथ नजर आए, यानी कि वो यूलिया वंतूर अपने भाई अरबाज और सोहेल से लेकर अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ नजर आए थे। सलमान खान पार्टीज की वजह से उनसे दूर ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग की वजह से भी व्यस्त हैं। राधे फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है बीते 2 दिन पहले, जिसमें दिशा पाटनी सलमान के साथ अहम किरदार प्ले करने वाली हैं। तो वहीं इसी के साथ सलमान दिसंबर के महीने में फिल्म दबंग 3 के प्रमोशंस के लिए व्यस्त होने वाले हैं और यही कारण है कि सलमान खान इस फिल्म की वजह से अपनी लेडी लव कैटरीना के साथ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कैटरीना सलमान से इन सभी के बीच मिलती जुलती रहती है। सलमान कैटरीना एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं। सलमान खान को ये बात मालूम है कि कैटरीना ने हाल ही में मेकअप प्रोडक्ट को लॉन्च किया है के बाई कैटरीना, जिसे लेकर कैटरीना काफ़ी खुश है। तो सलमान इस बारे में जानते थे कि उनका ये सपना पूरा हो गया, जो सपना उन्होंने सालों से देखा है। सलमान कैटरीना के हर सपनों को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहां सलमान कैटरीना की खुशी के लिए साल फिल्म भारत की प्रमोशन के वक्त कई बार उनकी ही बातों को आगे बढ़ाते नजर आए थे। कई बार एक क्विज शो की वजह से गलत आंसर देकर क्विज में हारते नजर आए थे ताकि सलमान की चहेती कैटरीना को गिफ्ट मिल जाए। सलमान ने इजहार करते हुए खुद कह दिया था कि कैटरीना कैफ जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा उन्हें पसंद करते हैं। तो जाना आपने, सुपरस्टार सलमान खान आखिर क्यों कैटरीना पर फिदा है और क्यों कैटरीना ने सलमान खान के साथ जो एक बार एक खास फंक्शन में पहुंचने के बाद मांग में सिंदूर सजाकर बाहर आने के बाद शादी की तरह की अफवाहों का शिकार खुद को बना लिया था, वो कैटरीना आज भी सलमान खान के लिए अपने दिल में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रखती हैं। जी हाँ, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम सलमान की लेडी लव कैटरीना को लेकर। कैटरीना ने जो सलमान को तोहफा दिया है उसका हमने जिक्र किया। सलमान ने बताया कि रिपीटेटेड ड्रेस पहनना, रिपीटेटेड शूज पहनना उन्हें पसंद है, लेकिन भाई इसी वजह से तो कैटरीना ने उन्हें इतना खूबसूरत बेल्ट गिफ्ट में दिया कि उसे यूज करते हुए, उसे रिपीट करते हुए सलमान को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता कि वक्त बहुत गुजर गया है और वो अभी भी ओल्ड बेल्ट को यूज कर रहे हैं। वेल, तो सलमान कैटरीना को कितना प्यार करते हैं और कैटरीना उनके लिए कितनी खास है, इसका उदाहरण तो उन्होंने खुद ही दिया। तो आज अब वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का।
फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें लेकर आने के लिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपल्स की रियल लाइफ और रियल लाइफ से जुड़ी स्टोरीज आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।